राजधानी लखनऊ में खनन माफिया के बड़े बड़े कारनामे। एक ही नंबर से अवैध रूप से चल रहे थे दो परिवहन। एक ही नंबर के दो डंफर काफी समय से सड़कों पर अवैध रूप से मिट्टी लेकर चल रहे थे। कई बड़े बड़े हादसे हो चुके थे बिना नंबर के डंफरों से। दुबग्गा पुलिस ने रात के अंधेरे में तेज रफ्तार फर्राटा भरते हुए एक ही नंबर के दो अवैध मिट्टी ढोने वाले डंफर को दुबग्गा पुलिस ने हिरासत में लिया है। रात के अंधेरे में अवैध रूप से मिट्टी लेकर दौड़ने वाले सड़कों पर फर्राटा भरने वाले डंपर कई लोगों की जान ले चुके हैं। कई लोगों के परिवार उजड़ चुके थे। लखनऊ कोतवाली दुबग्गा क्षेत्र में कई महीनों से एक के बाद एक मौत का खेल खेलने वाले, कई लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले, कई परिवारों को उजाड़ने वाले का दुबग्गा पुलिस पर्दाफाश कर सकती है। एक ही नंबर के दो संदिग्ध मिट्टी में चलने वाले डंपरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। माह नवंबर 2023 में सोने चांदी के व्यापारी श्री लक्ष्मण शुक्ला ने थाना चौक पर ये सूचना दिया था। अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव ये दो लोग उनके संपर्क में आए और जेवर बनाने के नाम पर धीरे धीरे करके उनसे 320 ग्राम सोना लिया और जेवर बनाकर कमीशन पर जेवर बनाकर इनको वापस करना, परंतु इन लोगों ने नहीं दिया और सोना धोखाधड़ी से लेकर फरार हो गए। इस घटना पे पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने संज्ञान लिया और इसका अनावरण कर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। इसके क्रम में एसीपी चौक श्री राजकुमार सिंह, इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। चौकी प्रभारी चौक पंकज यादव ने इसमें सर्विलांस पे काम किया। साथ में इसमें कुछ साइबर एंगल भी इन्वॉल्व हुआ, साइबर टीम को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। साक्ष संकलित करते हुए कल 7 बजे के आसपास पक्का पुल से अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, इनको कुल लगभग 94-90 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।